जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी सीजीएल रिजल्ट अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था, फिर भी मैं अपडेट नहीं दे रहा था क्योंकि उस तरह का कोई मुझे जानकारी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जो मैं जानकारी दूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगा, प्रमाणिक होगा, सटीक होगा। सबसे बात बता दें, एग्जाम टूर चैनल का जो खासियत है कि आपको जब तक कोई नॉलेज नहीं होता आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन जब उसके बारे में 100% जानकारी मिलता है तभी आपको बताया जाता है। तो आप एग्जाम टूर चैनल पर विश्वास बना सकते हैं। वो अभ्यर्थी जो इंटर लेवल ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी मालूम है कि किस तरीका से एग्जाम टूर चैनल 100% सटीक, प्रमाणित, सही आपको न्यूज देने के लिए जाना जाता है। तो जिस तरीका से बीएसएससी इंटर लेवल में लगातार प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाती थी और काम पूरा नहीं होता था, फिर वह अगला बार नियुक्ति किया जाता था, काम पूरा नहीं होता था तो डेट बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप जानते हैं यहां भी 11,000 से शुरू किया गया और उसके बाद आप देखिएगा आया था कि 30 तारीख तक, यानी कि 30 अप्रैल तक वर्क समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी मांगे गए थे सामान्य प्रशासन विभाग से और वहां से दिया गया था कि 30 तारीख तक यहां नियुक्त रहेंगे, उसके बाद पुनः वो अपने अपने काम में जहां पे हैं वहां पोस्टेड हो जाएंगे। लेकिन अभी भी 30 तक ही वह क्यों नियुक्त हो रहे हैं आप भी जानते हैं, रिजल्ट बनाने के लिए, गोपनीय काम करने के लिए वहां से अधिकारी मंगाए जाते हैं, वहां से कर्मचारी लोगों को मंगाया जाता है। पुनः एक बार 15 प्रशाखा पदाधिकारी को फिर इस बार यानी कि 1 तारीख से लेकर 1 मई से लेकर 15 मई तक मांगा गया है और पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दे दिया गया है। यानी आप इसे समझ सकते हैं कि आयोग भी एकदम 100% सतर्क रहना चाह रही है। पिछला बार भी आप देखे होंगेगा बीएसएससी इंटर लेवल में रिजल्ट देने के बाद, मेंस लेने के बाद पुनः रिजल्ट देना पड़ा, लेकिन आयोग इस बार सोच रही है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी समस्या का कोई ऐसा प्रश्न ना उठे अभ्यर्थियों के तरफ से ताकि आयोग को परेशानी हो, इसलिए आयोग सोच रही है कि थोड़ा सा विलंब ही क्यों ना हो लेकिन 100% प्रमाणित, सही और सटीक रिजल्ट जारी किया जाए। इसी को लेकर पुनः एक बार आज यानी कि 27 तारीख से, यानी कि अब ये लोग 30 तक थे उनको फिर से 1 तारीख से लेकर 15 मई तक उनकी फिर से विस्तृत की गई है। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंदर रह के काम करेंगे, बीएसएससी सीजीएल का जो गोपनीय रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो लोग काम करेंगे। यानी कि आप एक बात जान ले, जो भी बोल रहे थे, जो भी यूट्यूब वाले अपलोड देते थे कि 2 तारीख को आ जाएगा, 9 तारीख को आ जाएगा, फलाना तारीख को आ जाएगा, ये सब नहीं है, अभी आयोग के ऊपर है जब तक आयोग रिजल्ट न दे। लेकिन आप 100% समझ जाए, 15 के बाद ही रिजल्ट अब आपको आएगा, यानी कि 15 के बाद रिजल्ट आने की संभावना पुनः बन रही है। यदि 15 में भी काम समाप्त नहीं होते हैं तो फिर से नियुक्ति होगी, वह अंत तक चलता है जब तक कि बीएसएससी रिजल्ट न दे, ये प्रक्रिया चलता है। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक रखें, अपने अध्ययन को चालू रखें। जो भी अभ्यर्थी है कि मेरा 100+ सही हो रहा है, हम सही करके आए हैं, वह अपना तैयारी करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सारी चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें, करेंट अफेयर पर ध्यान दें, मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान दें, यानी कि आपका रिजल्ट 15 मई के बाद आने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, 100% सही न्यूज दिया जाता है।